24/7 लाइव टीवी से मैं प्रतीक्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। चोरों ने घर में घुसकर की लाखों की चोरी और हुए फरार। बता दें कि शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही लूटपाट व चोरी की घटनाओं को लेकर जहां शहरी लोगों में भय है, वहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की एक ऐसी ही घटना थाना अलीगंज गांव नक्ताई खुर्द में लाखों की चोरी कर चोर चंपत हो गए। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। थाना अलीगंज के गांव नक्ताई खुर्द में चोरों ने बीती रात घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी कर हुए चंपत। जानकारी के अनुसार थाना अलीगंज के गांव नक्ताई खुर्द में बच्चू सिंह पुत्र लल्लू सिंह के घर में चोरों ने घुसकर बेखौफ होकर लाखों रुपए की चोरी कर चंपत हो गए। उस समय घर वाले सो रहे थे तो चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। बच्चू सिंह पुत्र लल्लू सिंह ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घर का निरीक्षण किया। वहीं बच्चू सिंह का कहना है कि घर से एक लाइसेंसी बंदूक, 25 कारतूस, 2 अंगूठी, 2 चैन, पाजेब और 50,000 रुपए घर से गायब हैं। वहीं बच्चू सिंह के बयान पर अलीगंज पुलिस ने अज्ञात चोरों के नाम रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रघुवेंद्र की रिपोर्ट। गांव जहां एक लाइसेंसी बंदूक और कुछ नकदी चोरी की घटना की वारदात हुई है और मामला अलीगंज थाने में दर्ज हुआ। क्या मामला क्या है? अभी आज ग्राम को जो है चार ग्राम नकदी खुर्द से एक प्रार्थना पत्र मिला है, जिन्होंने बच्चू सिंह सरोप लल्लू सिंह ने दिया है कि ग्राम एक दो की रात की को लगभग 1 बजे करीब मेरा घर खुला हुआ था और मेरी DVL गन जो है उसमें टंगी हुई थी। तो जब मैं जगह उसमें पता चला तो वो गायब है, तो हमें पता नहीं था वो जो है कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर दी गई है। तथा आज उन्होंने लिख दिया है कि हमारी जो बहू थी वो भी वहाँ पर नहीं थी, जब वो घर पे आई तो उसने बताया कि चैन और नकदी भी है।